योगी आदित्यनाथ का आगे का प्लान क्या है। सावन का महीना शुरू होने वाला है सोमवार से। यूपी में राजनीतिक तौर पर आग लग गई है। इस बीच अखिलेश यादव ने मानसून ऑफर भी भेज दिया है, 100 लाओ सरकार बनाओ, स्टूल हटाओ कुर्सी लाओ। इसमें जो कलह मची हुई है यूपी में, इसमें कौन किसका क्या बिगाड़ेगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, ये तो तब तय होता रहेगा वक्त के साथ। लेकिन एक चीज़ जो है वो नुकसान वाली तो हो गई, पार्टी का नुकसान अंतर कलह में हो जाता है। परिवारों में भी देखिए अंतर कलह होती है तो नुकसान होता है, प्रतिष्ठा का नुकसान होता है, डायरेक्शन का नुकसान होता है, भ्रम की स्थिति पैदा होती है। कार्यकर्ताओं में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई होगी कि किस साइड में रहना है, इधर के उधर पता ही नहीं उनको। तो रेफरेंस के लिए 12 से 17 की सरकार याद करिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो ऐसी ही कलह उनके यहाँ मची थी, गजब की कलह मची थी। तो पार्टी को तो नुकसान हुआ ही हुआ, सरकार भी बाद में नहीं बन पाई थी। तो भारतीय जनता पार्टी में ये जो चल रहा है ना, इसका तगड़ा खामियाजा भुगत सकती है पार्टी आने वाले वक्त में, अगर इसको सुधारा नहीं गया तो। क्योंकि अब विधायक है, पूर्व विधायक है, मंत्री, पूर्व मंत्री, सब फुलझड़ी छोड़ रहे हैं। किसी को ब्यूरोक्रेसी से दिक्कत है, किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है, किसी को लगता है कि आरक्षण की दिक्कत है। सहयोगी दल भी बोले जा रहे हैं, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, सब खुल के मैदान में आ चुके हैं। इस बीच एक रिपोर्ट बनी उत्तर प्रदेश में हार क्यों हुई, वो रिपोर्ट सौंपी गई भूपेंद्र चौधरी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने केंद्रीय अध्यक्ष को सौंपा। 33 सीटें हारे हैं और 30 पेज की रिपोर्ट बनी। आप सोचिए कितनी बढ़िया रिपोर्ट है। उसमें लिखा क्या गया, वही वाली बातें कि आरक्षण का भ्रम फैलाया गया, कार्यकर्ता नाराज थे, लोग सुनते नहीं थे, टिकट ठीक नहीं, इस तरह से वही जो रस्मी तौर पर बातें लिखी जाती हैं वो लिखी गई। तो ये हार का ठीकरा किस पर फूटे, इस पर पूर्व मंत्री वाले दर्जा प्राप्त सुनील भराला ने कहा कि भूपेंद्र चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अध्यक्ष हैं वो। तो लोगों ने कहा ऐसा क्यों होना चाहिए भाई, उनकी क्या गलती। तो उन्होंने कहा कि देखिए इससे पहले भी कलराज मिश्रा इस्तीफा दे चुके थे और विनय कटियार ने इस्तीफा दिया था, तो इसलिए इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो ये जो फ्री फॉर ऑल चल रहा है ना यूपी में, इससे गजब की स्थिति पर रही होगी। और फिर अखिलेश जी को दोष क्यों देना, वो राजनीतिक व्यंग के तौर पे कहा हो, सीरियस कहा हो, वो सवाल अलग की बातें हैं। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर पड़ोसी घर में कलह चल रही है तो दूसरा पड़ोसी मजे लेगा, तो उसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। तो थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं फिर से एक बार कि क्या ये एक युद्ध की समाप्ति होगी फिलहाल के लिए, यह युद्ध विराम है सिर्फ। 10 विधानसभा चुनावों के बाद फिर से, महाभारत काल में होता था ना, सूर्यास्त के बाद युद्ध रुक जाता था, फिर अगले दिन सुबह नाश्ता वास्ता करके फिर से चालू होता था। तो क्या ही है ये, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो 4 विद्वान पत्रकार हमारे साथ हैं और ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी, संघ, कांग्रेस, सबके अंदर की खबरें रखते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आज मदद ली जाए इन लोगों की। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय जी, अवधेश कुमार जी और ब्रजेश शुक्ला जी, सबका बहुत बहुत स्वागत है और अंदर की बातें हमको बताने के लिए सब लोग तैयार हैं। विजय जी आपसे शुरू करते हैं, बड़े अंदर की खबर रखते हैं सर, आपने तो बहुत सारी किताबें भी लिखी है। तो ये जो परिस्थिति बनी है, ऐसा आभास हो रहा है फिलहाल कि शायद मामला कुछ देर के लिए थम गया है, तो ये क्या है, समाप्ति घोषणा हो गई है, विराम है? नीरज जी, आपने महाभारत का जिक्र किया और उसमें युद्ध विराम का जिक्र किया, तो फिर सिर्फ नाश्ते तक ही तो युद्ध रुकता है ना। हाँ, और वो भी अभी नहीं पता है कि नाश्ते तक युद्ध रुका है कि नहीं रुका है, युद्ध विराम हुआ है कि नहीं हुआ है, पार्टी ने क्या आदेश दिया है, जो दिल्ली में लोग बैठे हुए हैं वो क्या आदेश दे रहे हैं, क्या जब प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी से 2 दिन की कोशिश के बाद भी केशव मौर्य की मुलाकात नहीं होती और वो वापस चले जाते हैं,
और ब्रजेश पाठक जी एक महीने बाद अस्पतालों के औचक निरीक्षण करने लगते हैं, तो क्या फैसला किया गया है? भूपेन चौधरी जी, ये तो बड़ा अच्छा किया है कि आप ही ने रिपोर्ट बनाई, आप ही ने सारा मामला देखा, तो जिसने रिपोर्ट बनाई है वही इंचार्ज थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है, आपने बहुत अच्छे से उस रिपोर्ट को बताया कि जो जो चीजें होनी चाहिए थी वो उसमें सारे बॉक्सेस को चेक किया गया है, लेकिन क्या कोई जिम्मेदारी तय की गई है उस चुनाव में? रिपोर्ट के अंदर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अति आत्मविश्वास के से हारे हम, मुझे नहीं पता वो किसके अति आत्मविश्वास का जिक्र कर रहे हैं, और हमारे केशव मौर्य साहब कह रहे हैं संगठन जो है वो बड़ा है सरकार से, तो केशव जी तो संगठन में भी रह चुके हैं, सरकार में भी रह चुके हैं, अभी वो मुख्यमंत्री भी थे, उनको तो याद ही होगा कि प्रयागराज और कौशाम्बी हार गए हैं वो जो उनके इलाके के आते हैं, और जो रिपोर्ट में कहा गया उसमें कहा गया कि भाई ओबीसी और पिछड़े लोगों का वोट जो है खिसका है, जिसके नेता केशव जी बनते हैं, जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो अभी दोनों के बीच में ये तकरार चल रही है, और आपने कहा कि दूसरे लोग तो मजा लेते ही हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को समझनी चाहिए। आपने कहा 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जो अंतर्कलह हुई थी उसका नतीजा 2017 में दिखाई दे गया, क्या भारतीय जनता पार्टी इस वार्निंग को समझ रही है? उसका एक वार्निंग तो अभी दिखाई दे गई आपको जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और उसमें जिस तरह से आप हारे हैं कि कोई एजेंडा आपका नहीं चला, विकास का एजेंडा नहीं चला, और विकास का एजेंडा का मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं हुआ, यदि अयोध्या भी हारते हैं तो अयोध्या को आप देखेंगे तो क्या वहां विकास नहीं हुआ है, या और शहरों में भी, लेकिन आपका एजेंडा नहीं चला और इस नैरेटिव को आप नहीं चला पाए। दूसरी बात, आपने कहा रिपोर्ट में कि कार्यकर्ताओं में उदासीनता है, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते, तो भाई साहब ये जिम्मेदारी किसकी है? कार्यकर्ताओं को फांसी लगा देना चाहिए या नेताओं पर सवाल खड़ा करना चाहिए? प्रधानमंत्री आज चुनाव से पहले जब चर्चा होती थी तब भी वो बार बार कहते थे एमपीज को कि भैया चुनाव के लिए जाइए, कार्यकर्ताओं से मिलिए, रात गुजारिए, नेताओं से मिलिए, मोदी और राम के भरोसे मत रहिए सिर्फ, लेकिन नहीं सुनी। प्रधानमंत्री जी आज फिर जा रहे हैं चुनाव के बाद ही कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, लेकिन क्या नेता जा रहे हैं और कौन जिम्मेदारी ले रहा है? ये अच्छा किया भूपेन चौधरी जी का नाम बताया, रिपोर्ट से भी पता पड़ा कि भाई भूपेन चौधरी जी अध्यक्ष हैं, मुझे अभी बहुत दिनों तक याद नहीं था इलेक्शन के दौरान कि कोई पार्टी के अध्यक्ष भी है यूपी में भूपेन चौधरी साहब, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दे दी है, लेकिन किसी पर कोई निशाना नहीं है, क्या कोर्स करेक्शन हो रहा है? सवाल यह है कि युद्ध विराम का को युद्ध में खत्म करने में कब होता है? जब कोर्स करेक्शन किया जाता है, एक्शन लिया जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्स करेक्शन के लिए तैयार है? इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि योगी जी को बदलना है या केशव जी को हटाना है, उनको तय करना है कि वो क्या कोर्स करेक्शन करना चाहते हैं। अगर युद्ध विराम समझते हो कि उपचुनावों तक चुपचाप रहेंगे तो उससे कभी होता नहीं है, मवाद जो होती है उसको तो सर्जरी से निकालना ही पड़ता है, मवाद तो बन रही है, युद्ध विराम में बढ़ भी सकती है मवाद, अब वो सर्जरी के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है, क्या वो कोर्स करेक्शन के लिए तैयार है, क्या वो एक्शन लेने के लिए तैयार है, क्या इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए तैयार है, ये सारे सवाल हैं जो इस बात के जो जवाब हैं वो बताएंगे कि ये युद्ध खत्म होगा, युद्ध विराम रहेगा या उसके बाद फिर से बढ़ सकता है। आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि आपको अभी पता चला कि भूपेन चौधरी अध्यक्ष है, मुझे तो केशव मौर्य के बाद से नहीं पता था कौन अध्यक्ष है, बीच में ऐसा सुना कोई झांसी साइड के स्वतंत्र देव सिंह बने थे बीच में, ऐसा लोग कहते थे, मुझे भी नहीं याद था, मुझे तो ये पता था कि फूलपुर से चुनाव हार गए थी, अभी कौशाम्बी के आसपास के 10 जिलों की सीटें हार गए, मुझे ये पता है मौर्या जी, और ये मौर्या जी को ज़रूर याद होगा कि वो हारने के बाद फिर से उप मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं, तो विजय जी ये चीज़ें याद रखने वाली होती हैं, अध्यक्ष को क्यों याद रखें? अध्यक्ष को सुनील भराला जी ने याद रखा है जिन्होंने कहा कि भूपेन चौधरी जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो जिसको जिसको काम है वो याद कर रहा है, मौर्य जी क्यों याद रखें? वो तो खुद ही अध्यक्ष रह चुके हैं, तो जिम्मेदारी कैसे तय होगी सर, ये बताओ आप मुझे। नहीं, मेरा कहना सिर्फ ये, मैं सम्मान के साथ बात कर रहा हूँ, आप हर्षदीप से पूछ रहे, मुझसे पूछ रहे? नहीं, आप ही से पूछा है, जिम्मेदारी कैसे तय होगी, ये यही तो मैं सवाल है मेरा जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेरा भूपेन चौधरी जी को लेकर कोई वो नहीं है, उनका सम्मान मैं कर रहा हूँ, लेकिन उनकी कोई भूमिका बहुत बड़ी थी ऐसा मुझे नहीं लग रहा इस चुनाव में। क्या उनके पास वो लिस्ट भी पूरी तरह से टाइम पर आ गई थी जो कैंडिडेट तय किए गए? क्या उनसे पूछा गया था कि जौनपुर में कौन आएंगे?
किसने कौन लड़ेगा, किसने तय किया था ऐसे टिकट, अगर ये टिकट वाला मसला कौन तय कर रहा था? ये भूपेन चौधरी जी तो नहीं कर रहे थे मेरे ख्याल से, बाकी अंदर की बात अवधेश जी और राष्ट्रीय प्रसाद जी जैसे बड़े विद्वत लोग हैं वो बता सकते कि अंदर क्या हो रहा था, कौन कौन टिकट तय कर रहा था। लेकिन इतना मुझे लग रहा है कि भूपेन चौधरी जी टिकट नहीं तय कर रहे थे। उनको यदि ये सारे टिकटों की समय पर जानकारी थी तो भी मैं उसको बड़ी बात समझता हूँ। सवाल यही है ना कि टिकट कौन बांट रहा था, कौन कार्यक्रम तय कर रहा था, वो सब लोग क्या जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। और नीरज जी माफ कीजिए, मैं तीन दिन से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने भी ये उत्तर प्रदेश पर कर दिया, मैं मेरे को केवल इतना सा ज्ञान दे दीजिए कि क्या ये लड़ाई लखनऊ की लड़ाई है या ये लड़ाई दिल्ली की हो रही है, कहीं पर जो संघर्ष है वो सत्ता संघर्ष दिल्ली का चल रहा है या दिल्ली के संघर्ष के लिए लखनऊ के कंधे पर बंदूक रखी जा रही है। अभी पहले ये एक बार क्लियर होगा तो शायद मुझे लगता है कि कुछ और बातों पर स्थिति साफ हो पाएगी। क्या केशव मौर्य को आप ऐसा मानते हैं जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, संघ से जुड़े रहे हैं, वो अचानक सामने आकर बेवजह सामने आकर इस तरह की उग्र भूमिका में रहें कि तीन दिन में दो बार पार्टी के अध्यक्ष से मिले, एक महीने में कैबिनेट की बैठक में बात ना करें, किसी कार्यक्रम में शामिल ना हो, ये सब क्या केशव मौर्य अपने स्तर पर कर रहे हैं? ये भी एक सवाल है। तो पहले इस सवाल को ढूंढिए कि ये लड़ाई लखनऊ में चल रही है या दिल्ली में चल रही है। पहले इस सवाल का जब जवाब मिलेगा तो आगे के सवालों के जवाब भी आपको आसान हो जाएंगे। नहीं, ये हम लोग जब एग्जाम देते थे ग्रेजुएशन का, पीजी का, तो जो सबसे कठिन प्रश्न होता था उसको सबसे बाद में हल करते थे कि ना हल कर पाए तो नंबर न कटे, पहले आसान वाले सवाल हल होंगे, इसके बाद हम इस सवाल पे जाएंगे। अवधेश जी अंदर की खबर रखते हैं, नोएडा में बहुत, जैसे मुंबई में तो फ्लैट कल्चर है, यहाँ पे ज़मीनें कम है तो, लेकिन नोएडा वोएडा में बहुत कोठियाँ हैं सर, बड़े लोग रहते हैं वहाँ पे। अवधेश जी भी वहीं रहते हैं नोएडा में। अवधेश जी कौन है जिम्मेदार? और ये एक महीने से जो दे दिल्ली दे नोएडा दे दिल्ली दे नोएडा लखनऊ जो कर रहे थे मौर्य जी, क्या कर रहे थे ये? देखिए, पार्टी में अगर अपेक्षित सीटें नहीं मिली हैं तो उस पर जो भी जिम्मेवार नेता हैं उनका बात करना, चाहे वो प्रदेश में करें, देश में आके करें, नेताओं से मिले, और जो पार्टी की अनुशासन और सीमाओं में रहते हुए मंच पर बोलना है। मैं इसको न तो विद्रोह मानता हूँ ना अलोकतांत्रिक मानता हूँ, ये होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तब जरूर असामान्य घटना है। तो पहले तो